आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। खेतों में आने जाने के लिए पक्के रास्तों का निर्माण करने पूरे राज्य के पालक मंत्री पांडन रास्ता योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत गोरेगांव में स्थित 55 ग्राम पंचायतों की ओर से भाग अ से 141, भाग ब से 34 व भाग क से 2, इस तरह कुल तहसील में 177, इसके अलावा मनरेगा अंतर्गत 192 पांडन रास्तों के निर्माण प्रस्ताव पर मंजूरी के लिए पंचायत समिति से जिला परिषद को भेजे गए, किंतु निधि के अभाव के चलते प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़े है। अनेक स्थानों पर निर्माण कार्य अधूरे है, जिससे किसानों को खेत परिसर में जाने मशक्कत करनी पड़ रही है। रास्तों पर कीचड़ पसरा है, दलदल का रूप ले लिया है। पांडन रास्तों पर आवागमन करना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। दलदल व कीचड़ रहित पांडन रास्तों से किसानों को दिनों दिन हो रही परेशानी गंभीर विषय है, जिस पर क्षेत्र के किसी भी जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं है। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य हुए है। इतना ही नहीं तो राज्य में कई स्थानों पर राष्ट्रीय महामार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है। तहसील के 55 ग्राम पंचायतों के किसानों द्वारा पालक मंत्री परिणय फुके से पांडन रास्तों की खस्ता हालतों पर ध्यान देकर इनकी दुरुस्ती व मजबूतीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी देने व अधूरे पड़े पांडन रास्तों के निर्माण कार्य जल्द शुरू करने की मांग की है।